बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन दोनों को ऐड करने जो हमारे पास एक और वेक्टर आ रहा है उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली नल वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं, आ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एंड ऑर्बिटेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। अब नल वेक्टर किस वेक्टर को बोलेंगे? कि एक ऐसे वेक्टर का बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, जीरो। यानी कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ऑर्बिटरी होगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा नल वेक्टर, ठीक है। तो अगर नल वेक्टर को फर्दर देखा जाए तो इसको इसका सिंबल क्या होता है नल वेक्टर का, ये, ठीक है। कैसे आता है? जीरो को यानी ओ के ऊपर वेक्टर डालेंगे तो नल वेक्टर होगा। तो बेसिकली मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। इनके रिजल्टेंट में जो आएगा वेक्टर उसको बोला जाएगा कि ये नल वेक्टर है, इसका सिंबल ओ के ऊपर वेक्टर आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? कि ऐसा वेक्टर जो मतलब कि दो वेक्टर हैं आपस में एंटी पैरेलल हो, यानी 180 का उसमें फेस शिफ्ट हो, यानी 180 डिग्री उससे उलट हो, जैसे पिछले डायग्राम में हमने बनाया था। इन लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर की लेंथ सेम हो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। सिंपल वर्डिंग में आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में है। एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव है। यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक ही डायरेक्शन बैकवर्ड है, एक ही डायरेक्शन फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डायरेक्शन अपवर्ड हो, एक ही डायरेक्शन डाउनवर्ड हो। यानी अगर हम यूं कर लें, एक ही आ गया और एक इस डायरेक्शन में, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो ये नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो लेट सपोज ये ए वेक्टर था, ये इसका नेगेटिव ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखते हैं कि और हमारे पास क्या है, सॉरी, उसके बाद थोड़े बहुत और वेक्टर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैं बात करूं नेक्स्ट वेक्टर की, तो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा कि ऐसे कोई भी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यानी जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, उसको बोला जाता है ये इक्वल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद अनइक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, तो उसको बोला जाता है कि ये अनइक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वल वेक्टर है उसको बोला जाता है पैरेलल, जो नेगेटिव वेक्टर है उसको बोला जाता है एंटी पैरेलल, और एक होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोला जाता है जिनमें दो वेक्टर आपस में प्रीपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो उसको बोला जाता है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, उसके बाद एक वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है, लिख लेते हैं। ऑर्थो अब यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर किस वेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर इज द विच वेक्टर, तो एक ऐसा वेक्टर जिसको मतलब कि हमने लिखा था कि प्लेन में और इसमें आई जे और के में लिखा जाता है ना, और आई जे में ये बेसिकली प्लेन के लिए और ये स्पेस के लिए और ये प्लेन के लिए, तो इसको बोला जाता है यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर,
ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली आज की हमारी कोशिश ये होगी वीडियो के अंदर कि हम जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के स्टार्ट हो रहे हैं उससे बेसिकली पहले सारे के सारे जो हमारे पास थोड़े बहुत आ रहे हैं उनको हम खत्म कर लें। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर, यानी किसी वैक्टर को मल्टीप्लाई करना किसी स्केलर क्वान्टिटी के साथ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर है। तो बेसिकली अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, स्केलर क्वांटिटी विद डायमेंशन, ठीक है। तो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं के किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, यानी कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहले आपको समझा दूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। तो मैं जब इसको 2a मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्केलर, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो स्केलर में क्या क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर है बताता हूँ कि पॉजिटिव नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर था ए, ठीक है, मैंने पॉजिटिव नंबर को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2a, मैंने 1/2a मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2a का मतलब क्या होता है हाफ हो जाएगा, तो ये वेक्टर उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारे पास इतना था और वो उसका हाफ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3a, ये वेक्टर 3 टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोला जाएंगे 3a आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि जब वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर, यानी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। व्हाट इट मीन कि लेट्स सपोज मेरा वेक्टर है ए, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी इस वेक्टर को -1 a से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। व्हाट इट मीन कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बस बाकी कुछ भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आ गया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 0, ठीक है, यानी लेट्स सपोज कोई वेक्टर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वेक्टर ही खत्म हो जाएगा, यानी नल वेक्टर बोलेंगे, यानी मेरे पास वेक्टर था ये, जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर खत्म, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ इसके अंदर अ स्केलर क्वांटिटी विद डायमेंशन, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो हमारे पास लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म, न्यू वेक्टर इज फॉर्म, ठीक है। यानी कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे एक और नया वेक्टर बन जाए, उसको बोला जाता है कि बेसिकली वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर हम डायमेंशन का बड़ा ख्याल रखते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर था वेलोसिटी, ठीक है, इसको मैं अगर मैं से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, यानी लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर है वी और मैं मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैथ मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसके रिजल्टेंट मेरे पास जो आएगा वो एक न्यू वेक्टर आएगा जिसको बोला जाएगा मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक्सेलरेशन है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्केलर क्वांटिटी में एस के साथ, तो उसके रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब किसी स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक नई चीज आएगी। तो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर आगे डिटेल में जाके दो बड़े टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब के एक टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो इस पूरे चैप्टर का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो इसके अंदर तीन चैप्टर हैं, तीन चीजें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम, बस बाकी चैप्टर में कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है, समझने वाली हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ है जो आपको मैथमेटिक्स में भी काम आएंगी और फर्दर आपको डेली लाइफ में बड़ा काम आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो बेसिकली आज की वीडियो आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों से एक जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ठीक है, जिससे हमारी सपोर्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, तब तक अल्लाह हाफिज़।